दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे मन में अश्लील और गंदे विचार क्यों आते हैं? हमारे ना चाहने के बाद भी हमारे मन में अश्लील और गंदे विचार आते रहते हैं, लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज पर नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने मन में चल रहे अश्लील और गंदे विचारों को किस प्रकार नियंत्रित करें। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वो नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता था। वह अपने माता पिता का अकेला लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। वह जवान था लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता तो था और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसीलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के के मित्र ने कहा, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक साधु बिछाटन के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन साधुओं से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूं। तो मैंने उन साधुओं से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन साधुओं ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसीलिए मैंने उन साधुओं से ध्यान के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन साधुओं से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र उन साधुओं को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोज मशक्कत के बाद उन्हें वो साधु बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस साधु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब साधु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या? साधु ने कहा, ध्यान क्या है, इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इसी स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की विषयता का पूर्णता आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है, क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ मैं बैठ सकता हूं। साधु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी अजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूं। साधु ने कहा, रोज एक घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहां बैठना है? साधु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन के ये गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएंगी? साधु ने कहा, सिर्फ एक दिन में, अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। साधुओं से आज्ञा ले वह का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके बैठता है उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो हैं, जैसे क्या ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाऊंगा या नहीं, आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे,
मैं तो उससे प्रेम करता हूं, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सा धन कमाऊं और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि साधु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार कोई भावनाएं नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा। लेकिन क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई रोक पाया है? लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता है और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक के जीवन में बहुत से काम किए लेकिन इतना मुश्किल काम कभी नहीं किया था। और वो साधु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वह लड़का उन साधुओं से मिलनी दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे हैं। साधु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार कोई प्रश्न नहीं होते। साधु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। साधुओं के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह लड़का अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का साधु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से मैं खुद को रोक नहीं पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में यह अश्लील विचार क्यों आ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे हैं अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन साधुओं के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। साधु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसीलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं या उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसीलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है, और जिन विचारों को तुम गंदे व अश्लील विचार कह रहे हो, वो विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रस देने लगता है। इसीलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र रहे, पूरा जीवन नहीं तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? साधु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो बस उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। इसीलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। साधु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं को अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान को अनुभव करोगे। इतना कहकर साधु खड़े हो गए
और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सर पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना शिक्षा पत्र उठाया और वहां से चले गए। वह लड़का उन साधुओं को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अब वो बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। ध्यान के रूप में वह समझ गया था कि उसे हर रोज ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। समय के साथ वह विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही वह यह भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक विचार होता है, इसीलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। दोस्तों, आशा करता हूं अब आप इस कहानी से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।